नमस्कार, हिंगू की आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रूप व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा गंदा पदार्थ है जो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक की तरफ धकेल सकता है। इसे कम करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कुछ सस्ते घरेलू उपाय बताए हैं जो असरदार हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से आपके दिल का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। खून में जमा यह गंदा पदार्थ हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल से जुड़े रोगों का जोखिम तेजी से बढ़ाता है। खाने पीने की खराब आदतों, सुस्त जीवन शैली और एक्सरसाइज की कमी के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। यह बम की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है। फैट से भरपूर खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से जो खून की नसों में इकट्ठा होता रहता है, इसकी वजह से खून की नसों में ब्लॉकेज आ जाती है और ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है, जिससे कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का आयुर्वेदिक इलाज क्या है? कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय कई हैं, लेकिन सबसे पहला आपको फैट से भरपूर खाद्य पदार्थों से दूरी बना लेनी चाहिए। इसके अलावा रोजाना एक्सरसाइज जरूरी है ताकि इसे पिघलाकर बाहर निकाला जा सके। कोलेस्ट्रॉल का आयुर्वेदिक इलाज भी है। शहद, डॉक्टर के अनुसार शहद रक्त वाहिकाओं की परत में खराब कोलेस्ट्रॉल को जाने से रोकता है। इसके लिए आप एक कप गर्म पानी में एक चम्मच शहद और नींबू का रस और कुछ बूंदे सेब के सिरके की मिलाकर पिए। लहसुन में सल्फर पाया जाता है। यह ऐसा पोषक तत्व है जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके लिए घरेलू उपाय यह है कि आप लहसुन की 6 से 8 कलियों को पीसकर 50 मिली दूध और 200 मिली पानी में उबाल कर लें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।